सभी पौधों में से तुलसी मुझे अति प्रिय है। सभी महीनों में से कार्तिक मुझे प्रिय है और सभी तीर्थ स्थलों में से मेरी द्वारका पूरी जो है मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। और सभी व्रतों में से एकादशी का दिन मुझे अत्यंत, इस प्रकार से ये कार्तिक का जो महीना है भगवान को अति प्रिय है, खास करके क्योंकि ये कार्तिक का महीना जो है इस महीने में पूरा महीना भर जो है श्रीमती राधा रानी को पूजा जाता है। श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा रानी श्री राधा दामोदर के रूप में जो है जा जाता है। और इसीलिए इस कार्तिक के महीने के व्रत को ऊर्जा व्रत कहते हैं, जो डेडिकेटेड श्रीमती राधा रानी को डेडिकेटेड है या श्रीमती राधा रानी को ही अर्पित है पूरा महीना। इसलिए भगवान को प्रिय महीना बहुत अति प्रिय है। और भी जो कोई भी इस महीने में थोड़ा सा भी अगर भजन करे भगवान को बहुत सारा अपने आप को दे देते हैं, वे देखते भी नहीं है ये योग्य है कि नहीं योग्य है। लेकिन अगर इस व्रत का कोई भी पालन करे जो अनेक अनेक नियम बताए गए उसके अनुसार मथुरा निवास करते अगर इसको करते तो उनको लाभ है। तो ये ऊर्जा ऊर्जा मतलब शक्ति, श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी है और वे भक्ति प्रदायिनी है। तो वे जब प्रसन्न हो जाती है तो ये हमें आसानी से भक्ति प्रदान करती है और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी इस कार्तिक महीने में दीपदान का भी बहुत महत्व है। दामोदर लीला या दामोदर अष्टकम जो कोई हर दिन पढ़ता है सुबह शाम इस दामोदर अष्टकम को गाता है तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कार्तिक में भगवान की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये करना है, दीप दान करना है। तो हम श्रवण करते हैं भगवान का कथा, भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, हरि हरि कथा और हरि नाम का कीर्तन का भी बहुत महत्व है इस महीने में और दीप दान। तो इस प्रकार से भगवान के नेटवर्क इश्यू है माता जी को। नेटवर्क इश्यू आता है जी के साथ। बहुत सारी
महत्व है इस कार्तिक के महीने में, और भगवान की कथा भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का को पढ़ना, श्रवण करना, अध्ययन करना जो कोई भी इस कार्तिकीय महीने में करता है वो निश्चित रूप से भगवत धाम वापस चला जाता। तो हम तो बहुत लोभी हैं, हम सब कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जितना भी भक्ति के जितने भी अंग है, भक्ति के लिए जो कुछ भी हम करना हमें करना है उसका हम उसको हमें छोड़ना नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितना भी हो सके करें। जो लोग धाम में आ रहे हैं उनको तो लाभ है, पर जो लोग नहीं भी आ रहे उनके लिए भी लाभ है। ऐसा नहीं है क्योंकि किसी कारणवश आ नहीं सकते तो भी कोई नहीं, लेकिन हमें पहले से ही तैयारी करनी है। भगवान का स्मरण करना है पूरे साल भर, और इस महीने में जो है भगवान का स्मरण बहुत ही लाभदायी है, तो वो करना ही करना है। और कार्तिक के महीने में तो हमें पहले से ही प्लान करना है कि हमें वृंदावन में थोड़े दिन तो भी हम आके जो है वास करें। तो ये है कृष्ण भावना, हमें ये भावना है कि हमेशा हमारा जीवन, हमारे जीवन में सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित ही करना है। अगर कहीं जाना है तो भी हम भगवान के साथ, भगवान के धाम का ही दर्शन करने की इच्छा, और हम देखेंगे बहुत आनंद ही आनंद। और ब्रज धाम तो वैसे भी आनंद का ही धाम है, प्रेम का धाम है, और यहाँ पे बहुत चीजें जो है जो कहीं नहीं हम देखते हैं। तो ब्रज धाम को हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रज में हम जैसे दूसरे धाम के जैसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो भाव है इस वृंदावन में बहुत ही प्रेम का भाव है। श्रीमती राधा रानी महारानी है और वे ही इस ब्रज की देवी है। तो भगवान की लीलाएं जो है या भगवान के दो एस्पेक्ट्स है, एक है उनका ऐश्वर्य और दूसरा है उनका उनकी मिठास। तो ये ऐश्वर्य जो है बाहरी है, पर उनकी मिठास जो है अंतरंग। तो ये ऐश्वर्य जो है भगवान उनका उनका प्रदर्शित जो है भगवान के ऐश्वर्य को वैकुंठ में प्रदर्शित करते हैं, पर उनकी मिठास जो है उसे वृंदावन। तो इस रूप में भगवान जो भगवान के 64 गुणों में से जो 4 गुण हैं उनका अनुभव सिर्फ वृंदावन या गोलोक में, गोलोक वृंदावन में हम जो है अनुभव करते हैं। तो वो 4 ऐश्वर्य या 4 जो उनके गुण हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं रूप आदि पुरुष
कृष्ण गोविंद उनके चार जो गुण है, जैसे कि नारायण में 60 कृष्ण में चार और कौन से कौन से को याद है? यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। तो ये रूप माधुरी मतलब उनकी खूबसूरती, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शो, कोई भी ऐसा नहीं है जितने भगवान इतने सुंदर श्याम सुंदर रूप माधुरी। प्रेम भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम के साथ अनेक अनेक रस में उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। वो कौन से है, कौन से रस? पांच है, किसी को याद है? तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये पांच प्रकार के रसों के जो भगवान जो है रस बिहारी है, और वे जो इन रसों के साथ वे जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर इस भौतिक जगत में भी इन रसों को हम देख सकते हैं, जैसे कि शांत रस है या दास रस है, ये सब हम इस भौतिक जगत में जब हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं और हम इन रसों का अनुभव कर सकते हैं इस भौतिक जगत में भी। अनेक अनेक प्रकार के संबंध हमारे हैं अनेक अनेक लोगों के साथ, पर जैसे कि फ्रेंडशिप सखा है ना, या दास सेवा करते हैं लोग, और बहुत मित्रता बढ़ाते हैं और प्रेम से वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव से भी। तो पर ये जो है ये दूषित, और इस दूषित होने के कारण हम जो है इन सब रसों में जो है जो आनंद हम चाहते हैं उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम इसको आध्यात्मिक जगत में चखे, हमने इनका अनुभव किया, और इस भौतिक जगत में भी ये है, क्योंकि इस भौतिक जगत जो है प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, तो इस रिफ्लेक्शन में भी हम देख सकते, पर ये क्लियर नहीं, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट रस नहीं है, परफेक्ट माधुर्य रस नहीं, परफेक्ट साख्य रस नहीं है, परफेक्ट वात्सल्य, इसीलिए हम ढूंढते हैं आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, आनंद का खोज है आत्मा।
आत्मा चाहे वह शरीर में हो या शरीर के बाहर हो, वो सच्चिदानंद ही है। चाहे वो मुक्त भी हो, फिर भी आत्मा का जो गुण है वो नहीं खो सकते हैं। ये गुण हमेशा रहेगा हमारे साथ, इसीलिए हम ढूंढते हैं कहाँ पे हमें प्रेम मिलेगा, कहाँ पे हमें अच्छा अच्छी दोस्ती किसी के साथ होगी, या फ्रेंडशिप या लव या अच्छे जो वात्सल्य भाव दास्य भाव, ये सब हम करते हैं, पर इसमें पूर्णता नहीं होती और इसीलिए हम इसको खोजते रहते हैं इस भौतिक जगत में, पर एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में है। तो जब तक हम यहाँ आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे और आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आएंगे, तब तक इन रसों का जो है आस्वादन हम नहीं कर सकते, पर भगवान ही है जिनके साथ हम इन सब, भगवान श्री कृष्ण ही है जिनके साथ हम इन रसों का आस्वादन कर सकते हैं। तो अब इस कार्तिक के महीने में ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे सारी चीजें भी, बहुत सारे अनेक अनेक उत्सव पूरे इस कार्तिक भरा पड़ा इस कार्तिक का महीना। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा है ना, शरद पूर्णिमा से उठना एकादशी तक के बीच में बहुत सारे उत्सव होते रहेंगे, जिसमें भगवान की लीला और भगवान की महिमा हम सुन सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, भाग ले सकेंगे। और सबसे उत्तम तो वही है जो इस दामोदर लीला एक्चुअली ये एक ही लीला है, ऐसे कोई भी लीला नहीं है। भक्त जो है पूरा एक महीने भर इस बस यही एक लीला का, यही लीला का दोहराते हैं, सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो बहुत ही ये लीला भगवान की, ये सुंदर बाल लीला है, माखन चोरी की लीला, और भगवान को मादा यशोदा के साथ बांधे जाने की ये लीला जो है दामोदर लीला, बहुत ही उच्च कोटि की लीला है। नहीं तो फिर सत्यव्रत मुनि जैसे इतने बड़े बीज इस लीला का इतनी सुंदर 8 श्लोकों में वर्णन किया। और भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी और कुंती महारानी भी इस दामोदर लीला के विषय में भगवान को स्तुति करती है और स्तुति में बताती है आपकी दामोदर लीला बहुत ही आश्चर्यजनक है। और बड़े बड़े संत महात्मा, वल्लभाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और वृंदावन के सर गोस्वामी, ये सब जो है इस दामोदर लीला का स्मरण करते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है जो इस कार्तिक मास में हुई है दीपावली के दिन, इसलिए दिवाली के दिन जो है
भगवान का इस लीला का स्मरण और दीप दान भी है। और फिर शरद पूर्णिमा से ये शुरू होता है, तो शरद पूर्णिमा तो हम पता है कि रासलीला भगवान करते हैं। और फिर रासलीला के बाद जो है वो होता है, तो गोपियां जो है गोपी गीत भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस महीने में भक्त जो है गोपी गीत का स्मरण करते हैं और दोहराते हैं। पूरे इस कार्तिक महीने में ये सुंदर गोपी गीत का यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर में भी हर दिन इस पूरे महीने पर गोपी गीत का जो है कथा चलती है। और इसके बाद जो है इसी कार्तिक के महीने में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो गोवर्धन पूजा भी होती है। और उसके उसी के साथ इसी महीने में सुंदर गोपाष्टमी भी होती है। जैसे हम जानते हैं कि भगवान के चार अवस्थाएं हैं, भगवान बाल्य से जन्म से लेकर 5 साल की जो लीला है वो कुमार अवस्था की लीला है, और 6 से 10 साल तक पौगंड लीला, और 11 से 15 किशोर लीला, और उसके बाद में सिर्फ यौवन। भगवान वहीं पे हमेशा 16 साल नव यौवन हमेशा वे, कितने भी उनका आयु क्यों न हो, जैसे कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान की आयु 100 साल से दिखते हैं कैसे 16 साल जीवन यौवन। तो गोपाष्टमी तो बहुत सुंदर उत्सव है। जब भगवान 6 साल के हो गए तो ये उनका पौगंड लीला, तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं अपने पिता नंद बाबा के काम काज में मैं उनको सहायता करूँ, और मैं जो है गवों को मैं चराने ले जाऊँ। पहले तो वे बच्चों को ले जाते थे तो छोटे थे, पर अभी वो उनका नहीं मैं भी बड़ा हो गया। अभी मैं माता यशोदा से कह रहे हैं कि आज से मैं कल से मैं जो है गवों को ले जाऊंगा, मैं अपने पिता को जो है सहायता करना चाहूंगा। माता यशोदा बोले नहीं आप नहीं जा सकते, बहुत छोटे हो अभी, और जंगल में ऐसे जाओगे तो बहुत काटे होते हैं, आप चलेंगे कैसे, और इस कार्य को करने के लिए अच्छा मुहूर्त भी चाहिए, तुम मत जाओ। पर वे मान नहीं करते, बोले नहीं मैं कल जाऊंगा। पर उसी समय जो है जब माता यशोदा ने कहा कि मुहूर्त देखना है, तो गर्भ मुनि भगवान की इच्छा से वहां आ गए अचानक, और फिर उन्होंने देखा कि भगवान का एक भाव और लीला है, तो उन्होंने माता यशोदा ने भगवान ने माता यशोदा से कहा देखो गर्भ मुनि भी आ गए, उनसे पूछो कौन सा मुहूर्त अच्छा है। तो गर्भ मुनि समझ गए, उन्हें कल सुबह। तो फिर माता यशोदा कुछ बोल नहीं पाई, बोले नहीं अभी तो मैंने बोल दिया मुहूर्त, तो मुहूर्त अच्छा है तो कल से उनको मैं भेज सकती हूँ, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मैं जूते भी नहीं है, अच्छी जूते में बनाऊंगी तब जा सकते हो। तो भगवान ने कहा नहीं,
मैं जूता नहीं पहनू, मैं ब्रज में जूते नहीं पहनू, क्योंकि हमारे जो गव्वे हैं उनके लिए उनके भी जूते नहीं है। तो अगर आप मुझे जूता पहनाना चाहते हैं तो सभी गऊओं को आप उनके लिए भी जूता बना दीजिए। माता यशोदा ने सोचा कि अभी क्या कह रहा है, तो 9 लाख गव्वे हैं, तो 9 लाख गव्वे मतलब चार पैर मतलब टू टू पैर, तो कितने हुए 36 लाख जूते बनाना तो असंभव है। तो गव्वे सुन के बहुत खुश हो गई थी कि अभी भगवान जो है हमें ले जाएंगे, वन में ले जाएंगे, तो बहुत खुश सुन रहे थे और खिड़की में से सब देख रहे थे, तो उन्हें इतने प्रसन्न हो रहे थे। और उन्होंने सोचा कि अभी जो है भगवान आएंगे नंगे पैर कैसे चलेंगे, तो वे जो सभी जो जितने भी कौवे थे पूरे ब्रिज में जाकर पैरों से जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे कंकर थे सब को उन्होंने तोड़ के इतना मुलायम बना दिया, ब्रिज की धूल जैसी इतना मुलायम। और अभी भी है, अगर हम ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन और ये रास्ते जो है बनाए हैं, लेकिन अगर हम रमन देती में जाएंगे वहां पे हम देखते हैं कितना मुलायम ये ब्रिज की धूल है। आप लोग भी गए हैं काफी, हम हर साल तो जाते हैं, लेकिन और वहां पे वो धूल में हम रूलते हैं। और अगर गोवर्धन परिक्रमा भी जाते हैं तो गोवर्धन के नजदीक से अगर हम गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि कितना मुलायम है ब्रिज की धूल। तो ये तो गवों ने से एकदम वेलवेट सॉफ्ट धूल है। तो भगवान तैयार हो गए, भगवान सुबह उठ गए जल्दी, और तब गवे तो तैयार ही थी, पर श्रीमती राधा रानी ने भी सुन लिया। श्रीमती राधा रानी सुना कि अरे अभी तो भगवान जा रहे वन में, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने जो है एक ग्वाल का रूप धारण किया, एक ग्वाल बाल का रूप, सुबल सखा के जैसे उनकी शक्ल मिलती थी, तो वे जो है उनके जैसे ही तैयार होके श्रीमती राधा रानी जो है सब कृष्ण के साथ और सभी गऊओं के साथ गया चराने चले गए। तो इसीलिए एक उपाष्टमी में हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी जो है का ड्रेस जो है ग्वाल बाल के जैसा होता है, और बहुत सुंदर दर्शन कृष्ण बलराम मंदिर में भी एक उपाष्टमी के दिन देखने लायक है। श्रीमती राधा रानी ड्रेस्ड अप लाइक काउवर बॉय, और उसी दिन भी श्रीमती राधा रानी के चरण भी दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन ये है। तो हर दिन हर समय कार्तिक के हर पल में जो है कितनी सुंदर लीलाएं हुई है, और भक्त स्मरण करते हैं। भगवान ने इस कार्तिक के महीने में नरकासुर का भी जो है उन्होंने वध किया। नरकासुर जैसे हम जानते हैं बहुत ही असुर था, देवताओं ने भगवान से कहा कि वे बहुत ही जो है कष्ट दे रहे हैं, तो और उन्होंने जो है अदिति माता का कुंडल और वरुण देव का छाता चुराया था, और सब जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नरकासुर का वध करें। तब भगवान जो है सत्यभामा के साथ जो है ज्योतिषपुर गए, और उन्होंने इस नरकासुर का वध किया। और नरकासुर इतना दुष्ट था कि उन्होंने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण करके उन्हें बंदी बनाकर रखा था। तो भगवान ने इनका वध किया और इन 16,100 राजकुमारियों को उन्होंने जो है मुक्त कर दिया।
इस नरकासुर के हाथों से। तब जब से 16,100 रानियों राजकुमारियों को भगवान ने छुड़ा लिया, तो जब सबने देखा भगवान को, तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान ने क्या, ठीक है आप जाओ, आप लोग सब जा सकते हैं अपने अपने घर। उन्होंने कहा कि हम कैसे जाएं घर, हम तो बाहर घर से बाहर आ चुके हैं, हम कोई भी नहीं हमें स्वीकार करेगा, हम कैसे जाएंगे, इतने दिन से हम इस नरकासुर के साथ रह रहे हैं यहाँ पे, तो हम कैसे जाएंगे, तो आप ही हमें स्वीकार करो और हम आपकी शरणागत है। तो भगवान ने सभी 16,100 के साथ विवाह किया, तो इस प्रकार से भगवान ने उनको शरण प्रदान की। और आगे अभी इस कार्तिकेय महीने में राधा राधा कुंज श्याम कुंड का प्राकट्य दिवस भी है, और सुंदर लीला भगवान ने की है राधा कुंज श्याम कुंड की जो लीला है उस प्राकट्य की। और शॉर्ट में से अभी समय लगता है ज्यादा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इस कार्तिकेय महीने में जो अनेक अनेक उत्सव होते हैं, तो सभी तीर्थ स्थान जो है सुराधा कुंड के अंदर उपस्थित है, क्योंकि भगवान ने सभी तीर्थों को आवाहन किया, इसीलिए राधा कुंड सभी सभी तीर्थों में से राधा कुंड सबसे परम है। और ये बहुलाष्टमी के दिन इस राधा कुंड का प्राकट्य दिन मनाया गया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वरदान दिया कि बहुलाष्टमी के दिन जो कोई भी इस राधा कुंड में स्नान करेगा, और पद्म पुराण में भी वर्णन है, वो भगवत धाम वापस चला जाएगा। ये बहुत सारे क्या कहेंगे, कार्तिक महीना का तो कुछ कहना ही कम है, क्योंकि कितना सारी जो कृपा भगवान इस महीने में बरसाते हैं। और फिर भगवान श्री राम भी अयोध्या से वापस आते हैं इसी कार्तिक के महीने में, समुद्र मंथन के समय। इस प्रकार से बहुत सारे उत्सव है लक्ष्मी पूजा, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो है बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई थी, और उसमें से लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई थी, तो इस समुद्र मंथन भी इस कार्तिक के महीने में हुआ है, लक्ष्मी पूजा भी इस कार्तिक के महीने में है, और तुलसी शालिग्रह का विवाह, तुलसी विवाह भी इस कार्तिक के महीने में है, बलि और वामन के साथ जो लीला है इस कार्तिक के महीने में। तो और इस कार्तिक महीने में धनतेरस भी आता है, जब भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान जो है एक सोने का कलश में जो अमृत लेकर प्रकट हुए, और इस लीला के कारण जो है भगवान ने कूर्म अवतार भी लिया, समुद्र मंथन लीला और मोहिनी मूर्ति भी, तो ये धन्वंतरी का अवतार धनतेरस के रूप में, और तुलसी देवी का भी प्राकट्य जब धन्वंतरी उस समुद्र से अमृत लेकर आए, तो भगवान बहुत प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुए, और उन्होंने देखा कि देवता और ये असुर, इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, उन्होंने बहुत परिश्रम करके इस अमृत को
और धन्वंतरी की प्रकट हुए इस अमृत के साथ, तो भगवान इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनके नेत्रों से खुशी के एक आंसू, टीयर्स, आंसू निकले। और उस जो वो अश्रु जब भगवान के नेत्र से निकले, तब पे जो है उस अमृत कलश के अंदर जब उनका एक अश्रु गिरा, तो तुलसी महारानी जो है उसी से प्रकट हुई। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं किस प्रकार से तुलसी देवी का जन्म, और तुलसी जन्म भी मनाते हैं, तुलसी विवाह भी मनाते हैं इस महीने में। भगवान ने केशी, व्योमासुर और कंस का भी वध इसी महीने में किया, और अक्रूर ने भी जो है भगवान को मथुरा वापस ले जाने के लिए वे इसी महीने में अक्रूर भी आए, और ध्रुव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को आमने सामने, आंखों के सामने उन्होंने दर्शन दिया। उस 6 महीने तक ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और जब ये 6 महीने खत्म होने थे, तब कार्तिक का महीना था, और भगवान जो है वो लास्ट महीने में वे जो है उनके सामने प्रकट हो गए। और मधुबन में वहां पे ध्रुव टीला है, जहाँ पे बहुत सुंदर ध्रुव महाराज का मंदिर भी है, और वो स्थान है जहाँ पे भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे। और शत्रुघ्न का एक भी सुंदर मंदिर है, और जहाँ पे लवनासुर का भी वध हुआ था। तो बहुत सारे अम्बरीश महाराज का भी जो लीला है, अम्बरीश महाराज जैसे हम जानते हैं कि द्वादश प्रधान एकादशी कर रहे थे, और उनका परायण का समय एकादशी, एक साल तक कर रहे थे पूरा जो है एकादशी का व्रत, बहुत ही घोर तपस्या। और दुर्वासा मुनि वहां पे आ गए, और आप हम कथा जानते हैं किस प्रकार से दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्वासा मुनि वहां पे भोजन करने के लिए आए, लेकिन स्नान के लिए चले गए, और यहाँ पे अम्बरीश महाराज का परायण का समय बीता जा रहा था। तो उन्होंने जो है सभी ब्राह्मणों और मंत्रियों से के आदेश के अनुसार उन्होंने थोड़ा सा एक बूंद जल का उन्होंने पान किया, और ताकि उनका एकादशी का व्रत न टूटे। तो फिर जब दुर्वासा मुनि को पता लगा, वो आ गए कि यार तुमने अतिथि का अपमान किया है, तुमने हमारा अपमान किया है, क्योंकि जो है अतिथि के पहले जो है होस्ट नॉट सपोज्ड टू खाना नहीं चाहिए, जब तक सबका भोजन न हो तब तक नहीं लेना चाहिए, तो ये अपराध हो गया। तो उसमें उनको उनके उनको मारने के लिए, देखिए भक्त को मारने के लिए उन्होंने एक कृत्या को उत्पन्न किया, और अम्बरीश महाराज जो है एक रंश मात्र भी हिले नहीं, और हाथ जोड़कर उन्होंने जो है इसको स्वीकार किया। तो भगवान ने अम्बरीश महाराज इतने महान थे कि भगवान ने उनका सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए तुरंत सुदर्शन चक्र ने जो है इस कृत्या को मार दिया, और वो कृत्या जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे लग गया, और वो भागते रहे एक साल तक, कहां से कहां नहीं गए, समुद्र के नीचे गए तो भी सुदर्शन उनका पीछा नहीं छोड़ा, पूरे पहाड़ की चोटियों के
पे गए, पर भी सुदर्शन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, गुफा के छुपने की कोशिश की। वहां पे फिर वे जो ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु के पास अंत में जो है पहुंच गए, और उन्होंने भगवान के चरण में गिर के बताया हमें बचा बचा राय माँ। तो भगवान ने कहा कि सॉरी, मैं नहीं बचा सकता। बोले अरे आपका तो ये सुदर्शन चक्र है, तो उसको आप ये कर दीजिए, शांत कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, सब लोगों ने मना कर दिया, भगवान विष्णु ने भी कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहा क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरे भक्त का अपमान किया और मैं अहम भक्ता पराधीन हूँ, मैं भक्तों के आधीन हूँ, मैं मुक्त नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। तो मैं नहीं क्षमा कर सका, क्योंकि मैं कोई कुछ भी नहीं हूँ, मैं भक्तों का हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता। और भक्त क्या, भक्त के भी भक्त जो है मेरे प्रिय है। तो बहुत सुंदर इस भागवतम में नवे स्कंद में वर्णन किया गया कि आप जो भी कर रहे हो, अगर आपको इस सुदर्शन से मुक्त होना है तो आप उनके पास ही जाओ, अमरीश महाराज के पास जाओ, उनके चरण में गिर जाओ, तब ये आप मुक्त हो सकते, यही उपाय है। तो ये भी जो लीला है, तो यहाँ मथुरा में विश्राम घाट के पास ये अमरीश लीला भी है, जहाँ पे ये लीला भी अभी कार्तिक के महीने में ये लीला भी। उससे आगे भीष्म पंचक जो कार्तिक के पांच दिन है, अंतिम पांच दिन में भीष्म पंचक का भी व्रत जो है, जो हम सब लोग करते हैं, काफी लोग जो है करते हैं। तो जब भीष्म देव बाणों की शैया में थे, तब उन्होंने पांच दिन तक उपवास रखा कार्तिक के महीने में, और ये बहुत बहुत शुभ माना जाता है। और इस कार्तिक के महीने पांच दिन का उपवास और अंतिम कार्तिक के पांच दिन व्रज में उपवास करने से पूरा महीने का जो फल है वो मिल जाता है। तो ये भीष्म पंचक पांच दिन का व्रत है, कठिन है लेकिन करते हैं भक्त। तो बाकी का ये सब शॉर्टकट वाला व्रत नहीं, एक्चुअली ठीक से व्रत में लेकर वो तो कर सकते, चलो कुछ भी नहीं तो कुछ सही। तो बहुत लेवल्स है, तो जो लेवल आप कर सकते हैं कर सकते हैं, पर धाम में करने से और भी लाभ है। और इमली तला में भी श्रीमती राधा रानी का राज अभिषेक किया गया, और उनको उस दिन से जो है वे पूरे वृंदावन की रानी, तो और उसी दिन से उनका नाम वृंदावनेश्वरी पड़ा। तो वृंदावनेश्वरी नाम जो है इसी कार्तिक के लिए। और गोविंद भगवान गोविंद कुंड में सुरभि, जैसे हम भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तब इंद्र जो है बहुत लज्जित होके आए सामने, सॉरी सॉरी भूल गए आप कौन है, ऐसे प्रकार से। तो सुरभि ने फिर जो है भगवान का अभिषेक किया, जिस गोविंद कुंड का भी प्राकृत्य है। उत्थना एकादशी जो है अंतिम दिन आता है कार्तिक, जब भगवान योग निद्रा में आराम से सोते हैं और जाग सोते हैं, और
ये भी एक लीला है और भगवान ने देवताओं को बचाने के लिए जब उठे जो देवता सूट की अभी उठे देवता अपना कंप्लेन ना के शुरू कर भगवान को ऐसे नींद से उठे टेबल पर भगवान बोले ओके डोंट वरी। तो उन्होंने इस प्रकार से शंका नाम का असुर था जिसने वेदों को चुराया था, सब जो है देवता भी उनके डर से सब जगह छुप रखे रह रहे थे, सब जो वनस्पतियां थी, सब जो अनाज थे सब छुप के रह गए। और भगवान फिर मत्स्य अवतार लेके जो है उन्होंने सबको, तो इस कार्तिक के महीने में क्योंकि भगवान जल के अंदर थे तो जल का बहुत महत्वपूर्ण है, जल जो है पवित्र होता है और इसीलिए कार्तिक के महीने में जल शुभ रहता है। और इस जल का पान और जल और तीन बार स्नान करना अच्छी बात है, उससे बहुत महत्व मिलता है। तीन बार दिन में स्नान संभव है तो करना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी का भी, प्रभुपाद जी ने भी अपने भगवत धाम वापस चले गए कार्तिक के इस महीने में, तो प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे भी सेलिब्रेट होता है। उन्होंने वृंदावन में अपना देह को त्यागा, तो प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे बहुत सारे भक्त आते हैं। प्रभुपाद जी की समाधि जो है समाधि में अभी भी है, उपस्थित है समाधि में, इसीलिए बहुत दिव्य स्थान है। तो इस श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, क्योंकि जब वैष्णव अपना शरीर को त्यागता है तो ये आनंद का समय है कि वे जो है भगवत धाम वापस जा रहे, शोक नहीं करते, दुख तो होता क्योंकि वैष्णव से दूर होना हमारे लिए बहुत जो है कमी जीवन में हो जाती है, तो इसीलिए पर उस वैष्णव की शरण में रहने से श्री कृपा जी अभी भी है और हमेशा रहेंगे उनकी वाणी के द्वारा। दो चीजें हैं गुरु के साथ संबंध, एक है वापु और दूसरा है वाणी। वापु मतलब बस प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उनके साथ संबंध, और जब वे इस प्रकृत धाम से वापस चले जाते तो वे अपनी वाणी के रूप में उपस्थित रहते। और इस कार्तिक के महीने में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश उनको मिला राधा कुंड में 1935 में, जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे तो प्रभुपाद जी उनको वे राधा कुंड में मिले और उन्होंने उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया कि अगर आपके पास धन आ जाए तो इस धन को पुस्तक छापने में, आध्यात्मिक पुस्तकों को छापने में उस धन को लगाए। और प्रभुपाद जी ने बहुत सीरियसली इस आदेश को लिया और इसीलिए बुक प्रिंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मुझे
आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुस्तक वितरण कीजिए। अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुस्तक, क्योंकि ये बृहद मृदंग है। जैसे मृदंग बजाते हैं तो उसकी ध्वनि जो है काफी दूर तक पहुंचती है, उसी प्रकार से ये पुस्तक जो है, पुस्तक वितरण जो है, उसमें इतनी सारी ध्वनि है और उस ध्वनि जो है जितना मृदंग भी नहीं पहुंचा सकता, इतना दूर दूर तक इस ध्वनि और भगवान की का गुणगान जो है दूर दूर तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत सारी लीलाएं हुई हैं और सबसे प्रिय लीला सब तो दामोदर लीला है और श्रीमती राधा ने एक्चुअली ये लीला जो है वर्णन किया गया आचार्यों द्वारा, जैसे कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपना अपने कृष्ण कर्णामृत में और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कमेंट्री दी है कि एक्चुअली ये जो दामोदर लीला जो है यहाँ नहीं लेकिन गोलोक से शुरू हुई, जब श्रीमती राधा रानी ने भगवान को बांट दिया तो भगवान, और उसी से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। श्रीमती राधा रानी ने भगवान को इस प्रकार से पेट से बांध लिया, क्यों? क्योंकि वे उनके लिए उनके मिलन में मिलने के लिए बहुत समय तक 2 घंटे राह देख रही थी, लेकिन भगवान आए हैं। वे बहुत क्रोधित हो गए और वे क्रोधित हो गए कि अब ये जब आए तो उन्होंने अपना मान दिखाया कि मुझे आपको देखना नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो भगवान उनके चरण पकड़ कह रहे कि मैं क्या करूँ, गोवर्धन पूजा थी और गोवर्धन पूजा में मुझे इतना सब सेवा था अपने माता पिता के साथ, तुम्हें दे दू। भगवान ने माता राधा रानी ने कहा कि मुझे एक भी नहीं सुनना है। तो उन्होंने एक सोने की जो है रस्सी चेन से भगवान के पेट को बांध लिया, और इसलिए ये राधा दामोदर का ये लीला राधा रानी और कृष्ण के बीच में हुआ। और अभी भी अगर हम जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर में अगर हम देखेंगे तो नजदीक से एक सोने के धागा से श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के जो है पेट को बांधा हुआ जैसा वो लोग दर्शन मिलता है। पर क्योंकि बहुत सारा श्रृंगार रहता है, बहुत सारे फूल मालाएं रहते, दिखता नहीं, लेकिन अगर देखना है तो कभी अगर कोई पुजारी बता सकता है तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है, लेकिन है ऐसा राधा दामोदर मंदिर में। और राधा दामोदर का भी जन्मदिन इस कार्तिक महीने में, जो एक्चुअली राधा दामोदर को रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को भेंट कर दिया, तो इस दिन इस कार्तिक के महीने में उन्होंने उनको भेंट किया। और राधा दामोदर ये ऐसे विग्रह हैं जिसमें गोविंद जी, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों की छवि इसमें मिली हुई है उनका उनके रूप में, तो बहुत सुंदर ये दर्शन होते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि समय भी बहुत चला गया है। तो ये कार्तिक का व्रत और कार्तिक महीना पूरा भरा है अनेक अनेक उत्सवों से, अनेक अनेक चीजें हैं, पूरा हम स्मरण करते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये जो दामोदर लीला है वो सबसे उत्तम है। तो इसीलिए दामोदर लीला और दामोदर अष्टकम आते हैं।